हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। बेटा आज हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 7 आवर नेशनल एंथम इसे करेंगे। ये डायलॉग्स में है, कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट्स की। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। पेज नंबर है हमारा 46। टीचर, चिल्ड्रन डू यू नो विच इज आवर नेशनल एंथम? बच्चों क्या तुम जानते हो कि हमारा नेशनल एंथम क्या है? संजय ने आंसर दिया, यस मैम आई नो दैट। हाँ मैम, मैं जानता हूँ, जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। बट मैम प्लीज टेल अस मोर अबाउट आवर नेशनल एंथम। लेकिन मैम हमें नेशनल एंथम के बारे में और ज़्यादा बताओ। टीचर, आवर नेशनल एंथम जन गण मन is composed by a great poet named Rabindranath Tagore। हमारा जो नेशनल एंथम जन गण मन है उसे कंपोज्ड किया था एक महान कवि ने जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया adopted इट एज आवर नेशनल एंथम बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड आवर नेशनल इंटीग्रेशन। भारत सरकार ने, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने इसे हमारे राष्ट्र गान के रूप में अपनाया क्योंकि यह राष्ट्रवाद और एकता की भावना को दर्शाता है। और बेटा ये हमारा पूरा नेशनल एंथम लिखा हुआ है, जन गण मन, ये पूरा लिखा हुआ है। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसके अंदर हमारे ये 3 कलर्स हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 47 पर आ जाइए बेटा। ममता, Is the national anthem the same as the national song? ममता टीचर से क्या क्वेश्चन करती है, क्या नेशनल एंथम के जैसा ही है नेशनल सॉन्ग? टीचर ने क्या आंसर दिया, नो इट इज डिफरेंट, नहीं यह अलग है। द नेशनल एंथम इज जन गण मन एंड द नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। जो हमारा नेशनल एंथम है वो जनगण मन है और जो नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम है। इट वॉज कम्पोज्ड बाई बंकिम चटर्जी, चंद्रा चटर्जी। इसको कम्पोज्ड किया है बंकिम चंद्रा चटर्जी ने। अब नेक्स्ट स्टूडेंट विक्की क्या क्वेश्चन करता है मैम से, व्हेन इज आवर नेशनल एंथम संग? हमारा जो नेशनल एंथम है कब गाया गया? टीचर, आवर नेशनल एंथम इज संग ऑन ऑल द नेशनल फेस्टिवल। हमारा नेशनल एंथम जितने भी नेशनल राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उन पर गाया जाता है। ऑल्सो ऑल द गवर्नमेंट फंक्शन आर प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय द नेशनल एंथम। Moreover, the national anthem is sung by the school children on all the function. जो हमारा national anthem है जितने भी government के function होते हैं उससे पहले गाया जाता है और बाद में भी गाया जाता है। और national anthem school में गाया जाता है और स्कूल के जितने भी फंक्शन होते हैं उन पे भी गाया जाता है।
मनु। अब मनु क्या क्वेश्चन करता है मैम से, ही इज द नेशनल एंथम संग बाय एवरी इंडियन। क्या नेशनल एंथम हर एक इंडियन के द्वारा गाया जाता है? टीचर, व्हेन वी हियर द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम वी शुड सिंग इट। जब हम नेशनल एंथम की ट्यून को सुनते हैं तो हमें इसे गाना चाहिए। बट नो वन इज अलाउड टू पैरोडी द नेशनल एंथम और इट्स ट्यून। लेकिन किसी को भी राष्ट्रगान या इसकी धुन का मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं है। अब कमल क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच रूल शुड बी फॉलोड वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम। वो कौन से रूल हैं, कौन से नियम हैं जो हमें नेशनल एंथम गाते हुए फॉलो करने चाहिए। बेटा ये लेसन मैंने आपको यहाँ तक रीड करवा दिया है, इसको आप डीपली रीड करेंगे, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को लर्न करेंगे और ऑनलाइन क्लास में आपके डिफ़िकल्ट वर्ड का टेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। थैंक्स।